लग रहा था बोलू हमारे हाथ से ही जा रहा तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? करता हूं सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो सबसे सही चीज जब ऐसी मतलब आज ना हवा थोड़ी मतलब वैसे तो हवा चल नहीं थी इतनी, बट आज थोड़ी ज्यादा हवा चल रही है। मुझे ये भी लगता है कि शायद बारिश आएगी। तो हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ एंड आई डोंट नो हम कहां जाएंगे कहां नहीं, बट जहां भी जाएंगे बहुत अच्छी लोकेशन में जाएंगे। एंड हां, आज का जो जितना भी व्लॉग है ना हम गोप्रो से करेंगे, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था कि हम गोप्रो से एक व्लॉग करें और हम एक व्लॉग लगा लेके आएंगे, व्लॉग विद गोप्रो और नॉट। तो सही भी है गोप्रो से व्लॉग करना, क्योंकि बारिश आ सकती है तो जो हमारा सोने वाला कैमरा है वो शायद भीग जाएगा। तो हम आज जितना भी व्लॉग करेंगे गोप्रो से करेंगे एंड देखेंगे क्या ये छोटी सी चीज़ तहलका करती है कि नहीं। सो ओके, फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं तुम्हें तब से वो चीज़ बुरा था कि हम लोगों के साथ जो जो जा रहे हैं, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कौन कौन जा रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले हमारे साथ ये मीनाक्षी दी, और फिर हमारे साथ हिमांशु, और तीसरे हमारे साथ बंटी भाई, और चौथा ये आदमी, और एक और बंदा है वो नीचे वेट कर रहा। तो फटाफट चलते गए, मिलते तुमसे नेक्स्ट सीन में। किसको किस मम्मी किसको बोल रहे? तुझे बोल रही निकम्मा को। कौन बोल रहा? तुझे सा निकम्मा पहलर का बेटा पैदा करा मैंने। मेरे को निकम्मा बोलते हैं, पता नहीं इनका बेटा सीवी ब्लॉग्स वाला। तो हाँ बेटा, बहुत ज्यादा देख, तू करोड़पति बन गया, तू अरबपति बन जाएंगे गाइस, बन जाएंगे। ठीक है मम्मी, बाय 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 बाय। मम्मी हमने शूज गंदे कर दिए। पापा गाइस, पापा ने नया हेयर कट कराया, बहुत मतलब ब्लॉन्ड करवाने का पापा ने, व्हाइट आइस ब्लॉन्ड बाल, तो हम तुम्हें दिखा नहीं सकते। ठीक है पापा, बाय बाय। नेटवर्क नहीं आता, पहले बता रहा हूँ। वहाँ आते हैं, आदि ने मुझे उस पहाड़ी पे चढ़ के फोन करा था, झूठ मत बोल। नहीं नहीं, मैंने ही किया था फोन पहाड़ी पे चढ़ के, जब आदि गया था। तो भाई ताऊ जी हमारी गाड़ी लेके जा रहे हैं। भाई ताऊ जी आप भी चलो मेरे साथ। चलो अभी घूमने ब्लॉग बनाएंगे साथ में। अभी क्या रहता गाइस? गाइस ताऊ जी, ताऊ जी क्या बोलूँगा ताऊ जी। सही लग रही चलाने में आपको? चलेंगे किस दिन ब्लॉग बनाने साथ में ताऊ जी? कहीं भी चलेंगे ताऊ जी का। गाइस नया हेयर स्टाइल है, बहुत बॉम लेवल का लग रहा है। 10 लाख फॉर दिस बॉम हेयर स्टाइल, अच्छा लग रहा है साहब। वैसे रखूंगा बाल आज, बहुत धनोल्टी। नहीं नहीं, तो यार ढंग से चलाना गाड़ी। हां ढंग से चलाएंगे, मालूम है कोरोना का ज्यादा वो हो रहा है। ढंग से चलाएंगे, 200-250 आदमी आएगी मार्केट। ढंग से चलाएंगे, हां जी। चलो ठीक है, बाय बाय। अभी गाइस बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने गोप्रो माउंट क्यों नहीं करा कुछ। अभी मैंने कुछ चीज़ सोची है, तो मैंने अभी माउंट इसलिए नहीं करा। कुछ टाइम बाद हम यहाँ पे माउंट करेंगे, मोटर व्लॉगिंग करते करते जाएंगे। तो ओके, जो दूसरा बंदा हमारे साथ जा रहा है वो जा रहे हैं हमारे साथ अंकुर भोगना। बहुत टाइम बाद ये ब्लॉग में आए हैं, इन्हें भद्राज का भी बोला था, फिर भी नहीं आए थे। लग रहा है हमारे साथ हम कहाँ जाने का नहीं पता नहीं, जहाँ भी जाएंगे नेक्स्ट लेवल तक गाइस। अंकुर मजा आ रहा है, इधर सा नहीं करता। गाइस हम तीनों चल रहे हैं, तीनों वाइट वाइट एंगल पे। सो फाइनली गाइज, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। मैंने तुम्हें तब से रास्ते का कुछ भी नहीं बताया। हम लोग जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट। एंड हम लोग अभी, एक तो सबसे बुरी चीज़ ये है कि मैं जहाँ पे रोड पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पे गाड़ी आने में लगी हुई है, तो मुझे रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बट तुम पीछे व्यू देख सकते हो, मैं तुम्हें एक मिनट व्यू दिखाता हूँ गाइज। तो तुम लोग देख सकते हो गाइज, जो यहाँ का व्यू है ना, इतना प्यारा व्यू है ना कि तुम्हें क्या बताऊँ। मतलब एक तरफ को बादल बादल और एक तरफ को छाँव, तो अलग लेवल का व्यू है गाइज यहाँ पे। कहाँ पे थे तुम लोग? हम तुम्हारा तब से वेट कर रहे थे, पता है। तुमसे पैसे लिए क्या उसने? हाँ टोल वाले कितने? 12। तुमसे कितने लिए? 12, 50 मेरे को लग रहा भोलू पाल जी में ना छूट गया इसके 45 बोल दिया मैंने। आ रहे सामान भाई, जल्दी पैक कर यार, जल्दी चलना है, घर जाना है। ठीक है आ रहा हूँ। किसका फोन था? ताई जी का। मानचो कैसे लग रहा है? सूरज गवाह है, सूरज गवाह है। वैसे भी 36 का आंकड़ा मंदर के साथ पहले वाली बैठे बच गया दिन में, मंदर काट देता मैं तो। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग आगे चलते हैं, तुमसे नेक्स्ट मिलते हैं भाई।
पानी लग रहा था बोलू हमारे हाथ से ही जा रहा है। गरम पानी हो मत फेंक मत नहीं है गरम पानी। तुम लोग यहाँ का व्यू देख सकते हो, इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे चुप रहना, वहाँ तुम देख सकते हो पूरी धूप है उस तरफ को और इस तरफ को पूरी छांव और वहाँ पे धूप, मतलब बहुत प्यारा व्यू होगा यहाँ पे। एंड बाय द वे हम लोगों के हाथ ना पूरे सुन्न हो चुके हैं। बोलू ठंडी लग रही है, गर्म लग रही थी, हमने सोचा मेरे साथ थोड़े बहुत स्नैक्स हम लेके आए थे, बिस्किट विस्किट या तो चाय के साथ लेके आ दी, कैसा ठंडा मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा बहुत लोगों का सीन पता कैसे, हम लोग वैसे बाहर निकलते नहीं, बट हमारी ना हमेशा अनप्लान ट्रिप आती है, याद है हमारी भद्रा वाली अनप्लान थी। अच्छा लग रहा है वो रहा छोटा पिल्ला, मैं तब से ढूंढ रहा था। चले गाय जी, छोटे पिल्ले को मैं तब से ढूंढ रहा था। म्यू बीट तो क्या हुआ, कुत्ता तो है वो नहीं, जिम्मी है। अगर ना जिम्मी नहीं होता ना मैं आपको घर ले जा लेता, पता है आपको, पर जिम्मी है ना, जिम्मी काट देगा आपको यार। तो यहाँ का एक इतना सही सीन है ना कि अभी भी जस्ट मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ ना, जब तो ना पूरा कोहरा कोहरा दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था और एकदम कोहरा हटा और गाइस गैस हमें क्या दिखा, ये चीज़। तो बहुत प्यारा व्यू है गाइस यहाँ का, तुम लोग देख सकते हो, अभी और प्यारा मिलेगा आगे। हमें यहाँ से ऊपर जाना है, आई डोंट नो ये क्या है, तो यार किसी को पता होगा ना, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना जी इस जगह को बोलते क्या हैं, ठीक है। एंड बाकी यहाँ से एंट्रेंस है, ओके। सो ओके अराउंड 5 किलोमीटर की हाइक के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। एंड 20-20 का कुछ इतने शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि GoPro की बैटरी ना ऑलमोस्ट डेड है, 36% है, मैं नहीं चाहता डेड हो जाए पूरा शक्ल लिया। तो बहुत सही भी तो बहुत सही, तुम लोग यहाँ से देख सकते हो पूरा दिखेगा गाइस पूरा। सो ओके फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट के टॉप पे, एंड यहाँ के जो हालात है ना डूड बहुत भयंकर हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब बोलूँ ओए यहाँ देखना कैसा लग रहा है गाइस, तुम लोग देख सकते हो मतलब कितनी हाइट पे है। एंड हाँ एक चीज़ मैंने गलत बोल दी, ये 5 किलोमीटर की हाइट है, वो मैंने गलती से ऐसे बोल देना, मैंने पूछा ये हो गया अराउंड 2 किलोमीटर की हाइट है उनके, ठीक है। तो हम फटाफट सबसे एक्सपीरियंस पूछते हैं, सबके व्यूज़ वगैरह क्या है। हिमांशु कैसा लग रहा है फिर यहाँ पे आके, बेहतरीन मतलब व्यू सही है। बंटी भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया दी। सो ओके जब मैं नीचे था ना, मैं नीचे से ये चीज़ सोच के आया था कि जब मैं ना टॉप पे पहुंच जाऊंगा मैं से हाफ टी शर्ट में आ जाऊंगा। बहुत अलग लेवल की भाईदारी एंड हम लोग को मैं ना आगे लेके चलते हैं कि आगे कैसा कैसा है, बहुत सही आ गया। जो कुछ भी था जॉर्ज एवरेस्ट के टॉप का वो तो मैंने सारा दिखाई दिया है, अब हम लोग चलते हैं नीचे और देखते हैं जो होगा। हम दोबारा लेट हैं, हम दोबारा लेट हैं, 444 भाई कितना नेचुरल लग रहा है ना आदि, आदि 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 हेलमेट पकड़, आदि हेलमेट पकड़, रिकॉर्ड कर लेना दे इसे बना दे भाई। मैं तो इसलिए उस टाइम मैंने यार इसलिए रिएक्ट करा क्योंकि यार बहुत दिक्कत आ गई थी, पूरा पैर पता जाम हो गया। देख हम तीनों कितने क्लियर, बोलो हेलमेट पर एक बार बिना हेलमेट के मेरी आंखें कहां है इसकी, उंगली डालो उंगली पे बढ़ेगा तू भी बच्चा यार। सोनू भाई और मोनू भाई भी होते ना जुड़ी। ओके फाइनली हम लोग ना ऊपर से नीचे आ चुके हैं गाइस, इतनी ठंड हो रही है ना, सबसे सही चीज आग, इसकी इतनी जरूरत थी ना, थोड़ा ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा ठंड से ना पूरा सर सुन्न हो रहा है, मतलब भयंकर वाला
थोड़ी बहुत आग मिले तो थोड़ा बहुत सही लग रहा है। आई होप मेरे को मिस करा होगा आप लोगों ने। तो हिमांशु भी फाइनली पहुंच चुका है, बंटी भाई, मीनाक्षी दी भी, अंकुर और आदि भी, सब लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। आग थोड़ा वो कर रहे हैं तो बहुत सही है सीन। लेट हो रही थी, हम लोग तब से राइड कर रहे थे गाइस, हाथ ना पूरे सुन्न हो चुके हैं, तो हम लोग रुके हैं भुट्टे खाने, सही रहता है ठंड में। एंड हम लोगों ने दो भुट्टे कराए, एक बॉइल्ड कराया और एक दूसरा भुनावा कराया, तो खाते हैं गाइस, मिलते हैं तुमसे। और वहाँ पे भुट्टे भुन रहे हैं, थोड़ा आगे चल ले। बिना बोले भी करवा देगा इसलिए, यही मोहब्बत है माँ बाप के। तो फटाफट जलेबी पैक कराते हैं तुमसे, हम सीधे घर में जाके मिलेंगे एंड घर में जाके ब्लॉग एंड कर देंगे गाइस। बाय।